ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जामिया और अलीगढ़ में हुए बवाल के बाद से सहारनपुर जिले में प्रशासन अलर्ट पर है। जिले में इंटरनेट सेवाएं दूसरे दिन भी बंद है। इस्लामी तालीम की नगरी देवबंद में प्रशासन विशेष चौकसी बरते हैं। जनपद के आला अफसरों का अमला देवबंद में डेरा डाले रहा और अधिकारियों ने मदरसा संचालकों के साथ बैठक कर उनसे शांति व्यवस्था में सहयोग के साथ ही मदरसों में अवकाश घोषित करने का आह्वान किया। अलीगढ़ स्थित मऊ और दिल्ली के जामिया मिल्लिया में छात्रों के साथ हुई पुलिस की झड़प के बाद से देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों में उबाल है और देश के कई हिस्सों में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। ऐसे में सहारनपुर जिला प्रशासन कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं दिखता है, इसलिए ही प्रशासन द्वारा एहतियाती कदम उठाए गए हैं। जहां प्रशासन ने पिछले दो दिनों से जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद की हुई है, दारुल उलूम और मदरसों के कारण अहम समझे जाने वाले देवबंद को लेकर प्रशासन बेहद मुस्तैद है। आज भी दारुल उलूम क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। कमिश्नर संजय कुमार, डीएम मालोक पांडे और एसएसपी दिनेश कुमार पी ने देवबंद के डाक बंगले में दारुल उलूम समेत अन्य मदरसा संचालकों के साथ बैठक की और मदरसा संचालकों से शांति व्यवस्था में सहयोग करने का आह्वान किया। अधिकारियों ने मदरसा संचालकों से ये भी अपील की कि वे 15 दिनों के लिए मदरसों में अवकाश घोषित कर दें। मदरसा संचालकों ने अधिकारियों को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। डीएम आलोक कुमार पांडे ने बताया कि मदरसों के जिम्मेदारों ने पूरी तरह से प्रशासन का सहयोग करने का आश्वासन दिया है। वहीं दारुल उलूम के मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों ने मदरसों के जिम्मेदारों से बैठक कर 15 दिनों के लिए मदरसों का अवकाश घोषित करने का आग्रह किया है। दोपहर बाद जिम्मेदारों की बैठक कर इस मामले में निर्णय लिया जाएगा। वहीं नागरिकता संशोधन कानून को लेकर 5 दिन पूर्व मदरसा छात्रों और मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा हाईवे पर प्रदर्शन करने के बाद से दारुल उलूम अपने छात्रों पर पानी निगाह बनाए है। दारुल उलूम का मुख्य द्वार बंद है और छोटे गेट से ही आई कार्ड दिखाकर बच्चों को अंदर और बाहर भेजा जा रहा है। के सारे मदरसों की आज एक बैठक हुई है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड सभी, और इस बैठक में माननीय कमिश्नर साहब, डीआईजी साहब, एसएसपी साहब, अल्पसंख्यक अधिकारी, एडीएम्स, सीओ, एसपीआरए सभी अधिकारीगण यहाँ उपस्थित थे। इस मीटिंग का एकमात्र उद्देश्य ये था कि जो वर्तमान में एनआरसी और कैब को लेकर के कुछ संदेह है, जिसके चलते कुछ बताया जा रहा है कि लोगों में तनाव व्याप्त है और वो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उसको पब्लिक ऑर्डर को भंग कर सकते हैं, उनको समझाने के लिए, क्लैरिफिकेशन देने के लिए और सभी लोग शांतिपूर्वक रहें, किसी भी तरीके का हिंसा का माहौल न बनाए, इसके लिए एक बैठक की गई थी। बड़ी सार्थक पहल रही। मदरसे के सभी मौलानागण यहाँ पर आए थे, उनकी मजलिस, उनका प्रबंध तंत्र यहाँ पर उपस्थित था और उन सभी लोगों ने ये वायदा किया है और हम लोगों को एक प्लेस दी है कि प्रॉमिस किया है कि किसी भी तरीके की कोई समस्या अपने मदरसे में होने नहीं। सर, हम देख रहे हैं कि देवबंद को छावनी बना दिया गया है, क्या कुछ कोई इनपुट है कि इस तरह के प्रशासन हमला यहाँ पर है? प्रिवेंशन हमेशा अच्छा होता है, आप जानते होंगे, और प्रिवेंशन का मतलब होता है कि हम वहाँ पर हर तरीके के वो उपाय लें जिससे कि किसी भी तरीके की कोई समस्या उत्पन्न ना होने पाए। यदि कहीं कुछ बवाल हो जाए उसके बाद अगर हम प्रिवेंशन का एक्शन लें तो आप सबसे पहले कहेंगे कि गलत हो गया, इसलिए छावनी नहीं बनाई गई है। पुलिस बल यहाँ पर उपस्थित है, जो है उससे थोड़ा सा ज़्यादा पुलिस बल है। देवबंद एक सेंसिटिव जगह है, जहाँ पर कहीं कुछ हो जाए तो देवबंद का एक जो एक पवित्रता है जो आज तक कभी भंग नहीं हुई, वो भंग ना हो, इसलिए प्रयास किया। मदरसे में छुट्टी के लिए सभी लोगों से बात की गई, क्योंकि कल से सारे स्कूल सहारनपुर में विंटर को लेकर के विंटर वैकेशन हमने डिक्लेयर किया है। सारी यूनिवर्सिटीज़, हायर एजुकेशन सेंटर्स, सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूल्स बंद हैं। इसी क्रम में सभी मदरसे में हमने रिक्वेस्ट की है कि वो भी अपना शीतकालीन सत्र जो है वो 10-15 दिन के लिए बंद कर दें, और इस पर सभी लोगों ने आज 3 बजे एक बैठक बुला रहे हैं, उसमें वो निर्णय लेंगे और समझौता बंद करने की उम्मीद है। देखिए, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मीटिंग हुआ है, बहुत नॉर्मल है देवबंद, कोई खास बात नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल नॉर्मल। और ये एक प्रिवेंटिव मेजर के रूप में हम लोगों ने एक मीटिंग लिया है, इसको लेके कोई मन में आप लोगों की आशंका नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि यहाँ लगभग 16 से 18 हज़ार के बच्चे पढ़ते हैं, उनकी ख्याल रखने के लिए उनको सारे जो सही बातें बताने के लिए मीटिंग बुलाई गई। इसको कोई विशेष रंग ना दिया जाए, ये बहुत ही नॉर्मल सी एक मीटिंग है। ठीक है।